फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल घर के किचन में। तो आज हम बना रहे हैं भरवा प्याज और आलू की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे इस तरह से छोटे छोटे से प्याज ले लेने हैं। तो इस प्याज के छिलके मैंने उतार लिए हैं और अब इसमें हम इस तरह से कट लगा देंगे। जो प्याज के अंदर हमें इस मसाले की स्टफिंग करनी है, उसके लिए हम इस तरह से इसको कट लगा लेने हैं। तो सारे ही प्याज में यहाँ पे मैं कट लगा ले रही हूँ। सब्जी में डालने के लिए मैंने दो आलू लिए हैं, तो इन्हें मैंने छिलकर धोकर ले लिया है। तो हमें इस तरह से बड़े बड़े पीस में कट करने हैं। तो आलू अब आपके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको आलू पसंद हो सब्जी में तो आप डालिए, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए हमें 3 से 4 खड़ी मिर्च भी ले लेनी है, जिन्हें हम बीच में से कट करेंगे। अब हमें प्याज में स्टफिंग करने के लिए मसाला बनाना है, तो इसके लिए हम लेंगे 1/2 चम्मच मेथी। इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब लेंगे 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा। अब सब मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तीनों मसाले थोड़े रोस्ट होने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घिसा हुआ नारियल। तो नारियल इसलिए हम देर से डालेंगे क्योंकि नारियल जल्दी से जल जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तिल्ली। तिल्ली इसलिए डालेंगे कि तिल्ली से बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी आप अपने हिसाब से डालें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। सारे मसालों को भून कर मैंने साइड में रख लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 कटोरी बेसन। तो इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पर रोस्ट करना है। जो बेसन मैंने लिया है, तो इसको हम मसालों के साथ मिक्स करके प्याज के अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे। इससे हमारी सब्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बेसन जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम मसालों को क्रश करेंगे। सारे ही सूखे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन। अब इसे अच्छे से क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्सी का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, इसे हाथ से ही हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे मसाले की जो पेस्ट है वो हमें थोड़ी सी दरदरी सी बनानी है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने ये मसाला निकाल लिया है। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कटोरी भुना हुआ बेसन। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल भी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच तेल। तो सारे मसाले ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इनकी स्टफिंग हम प्याज के अंदर करेंगे। तो एक एक करके सारे ही प्याज के अंदर हम मसालों को अच्छे से भर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारे ही प्याज की स्टफिंग हो चुकी है। अब हम इस सब्जी को फ्राई करेंगे। तो अब
पे यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली है। अब इसमें डालेंगे एक कटोरी तेल, आधा चम्मच राई, तीन से चार खड़ी मिर्च, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मिर्चियाँ सब फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम एक एक करके सब प्याज को डालेंगे। सारे ही प्याज यहाँ पे डल चुके हैं। अब इसे हम हल्के हाथ से फ्राई करेंगे, तो इसे हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो इसका मसाला बाहर निकल जाएगा। तो अच्छे से फ्राई होने तक हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। अब इसमें हम ऊपर से डाल लेंगे आलू, इसे भी हल्के हाथ से चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसे करीबन हमें 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है ढककर। तो एक बार प्लेट हटाकर हम सब्जी को चेक करेंगे, तो सब्जी जो है वो अभी पकी नहीं है, तो इसे हम और 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पर अब हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इस तरह की सब्जी बनाइए और इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भरवा प्याज और आलू की सब्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये सब्जी कैसी लगी कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।